अम्बाला में आजकल बदमाशों के हौसले काफी बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सरेआम लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला देर रात दिल्ली लुधियाना राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अम्बाला थाना पड़ाव के मात्र कुछ गज की दूरी पर हुआ, जहां एक वाल्वो बस के पंचर होने के बाद बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बस में सवार एक युवक ने इस वारदात को लेकर क्या कुछ बताया, सुनिए। मैं दिल्ली से लुधियाना जा रहा था, तो यहाँ मेरा टायर पंचर हो गया, वॉल्वो बस। तो यहाँ मेरा टायर पंचर, मैं टायर चेंज कर रहा था, तो मैं टायर चेंज कर रहा था अपना। उनने पहले दो बंदे पहले दो आदमी आए उस बुलेट में, वो मेरे को पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या रुके। मैंने मेरा टायर बदलाओ और चेंज कर रहा हूँ मैं। कहने नहीं, तुम क्या सवारी उठा रहे हैं, उतार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो लुधियाना जा रहा हूँ। उसके बाद में और बंदे मिला, दो तीन और आए, फिर मेरे को मारा और लूटा, सब कुछ हुआ। कितने पैसे हुए? 75,000 मेरे जेब में। 70 से? मैं 75,000। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, दिल्ली टू लुधियाना 40 के करीब। 40 के करीब? 5 आदमी। पहले दो बाइक में आए, बाद में उन्होंने फ़ोन किया, 3 और आए, ज्यादा आए कि कैसे आए, उनके पता 3 और आए। मैंने मेरे को मारा, डंडे से मारा, मेरी टांगे सब सुनने में बाद में। पुलिस में दी शिकायत में वोल्वो ड्राइवर हरी ने बताया कि वो हिमाचल के मंडी का रहने वाला है और दिल्ली से रात 10 बजे बस लेकर निकला था, और सुबह 3:30 बजे अम्बाला कैंट फ्लाईओवर पर उसकी बस का टायर पंचर हो गया, तभी उससे लूट हो गई, जिस पर थाना पड़ाव पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई, और पड़ाव थाने के SHO देवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज करके उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बहरहाल मंत्री अनिल विज के गृह में इस तरह की वारदातें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रही है, जिसको लेकर पुलिस को अलर्ट रहने की जरूरत है। सत्य खबर के लिए अम्बाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।